आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी बधाई। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर हर की पौड़ी में कड़ी सुरक्षा, कोविड की वजह से स्नान पर प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हुई, 42 लोग घायल। भारत में कोरोना की दूसरी लहर जैसे फिर पैदा हो सकते हैं हालात, मौत पर यूएन की डरावनी रिपोर्ट ने चौंकाया। वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल के लोगों ने सुबह सुबह गंगा में लगाई डुबकी, किया उल्लंघन। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर रायबरेली से है, जहां प्रमुख पतंग व्यापारी ने बताया कि हर साल जिस तरह से पतंग का व्यापार चलता था, इस बार उससे आधा व्यापार ही हुआ है, जिसका कारण व्यापारी ने नाइट कर्फ्यू बताया है। दुकानदार का कहना है कि ज्यादातर लोग काम खत्म होने के बाद रात में पतंग खरीदने आते हैं, लेकिन दुकानें जल्द बंद हो जाने की वजह से व्यापार में भारी फर्क पड़ा है। आप सभी देख रहे हैं पिछले साल के मतलब में आपके साल बहुत 25% काम हुआ है, काम नहीं है कोविड के चलते। इसलिए में जो है काम जो रहता है रात थोड़ा रहता है, रात में जो है 6 से 10 वाली जो है आपकी जो है वो हो गया को लेके, और 9:30 बजे दुकान बंद करनी पड़ती है। तो कस्टमर आता है जो शहर का, वो लौट जाता है, सुबह सुबह आता है 7 बजे। पिछले साल से अब साल में 25% की सेल रहेगा, अब की बहुत ज़्यादा सन्नाटा है हर काम में। खबर फरुखाबाद से है, जहां मसेनी के जयस हॉस्पिटल में प्रसूता को 20,000 रुपए नहीं दे पाने के कारण अस्पताल संचालक ने प्रसूता को बंधक बना लिया था, जिसके बाद पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं इस मामले की जानकारी जैसे ही करणी सेना को मिली, करणी सेना के जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और अस्पताल संचालकों के साथ तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद अस्पताल संचालकों ने पीड़ितों से माफी मांगकर मरीज को छुट्टी दे दी। ये खबर जैसे ही सामने आई और इसके बाद हड़कंप मच गया फरुखाबाद से। ये खबर सामने आ रही है, अस्पताल संचालक ने पीड़ित से माफी भी मांगी। आपको बता दें कि 20,000 रुपए नहीं दे पाने के कारण अस्पताल संचालक ने प्रसूता को बंधक बना लिया था, जिसके बाद पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाई थी। और इस मामले की जानकारी जैसे ही करणी सेना को मिली, करणी सेना ने जिलाध्यक्ष और अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर अस्पताल संचालकों के साथ बातचीत की, जिस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई और अस्पताल संचालकों ने बाद में पीड़ितों से माफी मांगकर मरीज को छुट्टी भी दी। प्राइम टीवी का खबर का असर भी हुआ है फरुखाबाद से, ये खबर सामने आ रही है। अस्पताल संचालकों ने पीड़िता से माफी भी मांगी और उसे बाद में छुट्टी भी दी। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या था पूरा मामला? जो मसेनी यहाँ पे है, शहर कोतवाली क्षेत्र में मसेनी स्थित एक हॉस्पिटल है, जयस हॉस्पिटल, वहां पर अमृतपुर ग्राम खाके निवासी एक मदन पाल जी थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भर्ती कराया था जिनकी डिलीवरी होनी थी। तो 7 जनवरी को जो भर्ती कराया गया, तो डिलीवरी की ऑपरेशन के दौरान ही बच्ची की मृत्यु हो जाती है, और वहां पे जो पूरा ठेका था ऑपरेशन का वो 15,000 रुपए उनके कहने के अनुसार बताया गया था। लेकिन बच्ची की मृत्यु हो जाने के बाद और उन्होंने टोटल 20,000 रुपए जमा कर दिए, फिर भी मरीज की छुट्टी नहीं की जा रही थी और 25,000 रुपए और मांग की जा रही थी। रुपए ना दे पाने कारण 3 दिनों से मरीज का इलाज भी नहीं चल रहा था और ना ही
उसके पट्टी की गई थी, ऑपरेशन जहाँ पे हुआ था, तो उस कारण से मरीज की जान पर की खतरा बना हुआ था और दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज को बंधक बना रखा था और पैसे न देने के चलते वहां पर न मरीज की छुट्टी कर रहे थे और ना ही उसको वहां पे इलाज कर रहे थे। तो जब मरीज के पति ने गुहार लगाई और वीडियो के माध्यम से जानकारी हुई कि वहां पर ऐसा बंधक है, तो प्राइम टीवी ने खबर को प्रमुखता से चलाया और खबर का असर हुआ कि वहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस भी पहुंचती है और भी संगठन के लोग पहुंचते हैं वहां पे, और वहां पे जब दबाव अस्पताल संचालकों में बनता है तो उन्होंने माफी मांगकर मरीज को ससम्मान घर भी रवाना किया है। जी सुंदरम, जिस तरह से बंधक बना लिया गया था महिला को, तो क्या इसकी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई भी की जाएगी अस्पताल पर? जी, अस्पताल पर जो अस्पताल के जो कागज हैं उनके जांच करने के लिए भी वहाँ सीमो ऑफिस में कहा गया होगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जितने भी अवैध हॉस्पिटल, पहले से पहला वाक्य नहीं है कि अवैध हॉस्पिटल के चंगुल में जब मरीज फंसा हो और मरीज के साथ ऐसी दुर्गति हुई है, तो कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है या फिर स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ही सब चीजें चल रही है। और जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्वास्थ्य विभाग नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अपना निजी लाभ साधने के लिए ऐसे अवैध हॉस्पिटलों को बढ़ावा दे रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने में इन अवैध हॉस्पिटल के साथ साथ जिले का स्वास्थ्य विभाग भी मिला हुआ है। क्योंकि जितनी हिस्सेदारी इन अवैध हॉस्पिटल्स की है, उतनी ही हिस्सेदारी स्वास्थ्य विभाग की भी है, क्योंकि अगर वह चाहे तो ऐसे एक भी अवैध हॉस्पिटल यहाँ पे संचालित नहीं हो सकता है, लेकिन उसके दया दृष्टि में ऐसे अवैध हॉस्पिटल निरंतर संचालित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। संभल विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत माडली समस्तपुर में स्वच्छ भारत मिशन योजना को पलीता लगाया जा रहा है, जहां सड़कों पर इतना पानी भरा है कि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन इन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, जबकि स्कूली बच्चे भी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है, जिसके बावजूद जिम्मेदारों ने अपनी आंखें मूंद रखी है। जबकि ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से गंदा पानी भरा हुआ है, सभी को इस गंदे पानी से होके जाना पड़ता है, वो चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो, बड़े बुजुर्गों को मंदिर जाना हो या काम के लिए लोगों को जाना हो। आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं, जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है तो वही दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अच्छा, जैसा अभी आप पानी में निकल कर आ रहे थे, तो आप ये बताओ इस हर बार ऐसे निकलते हो या कुछ समय से? कब से दिक्कत आपको ये? ऐसे 10 साल से। 10 साल से दिक्कत है? हाँ। आपने कहीं प्रधान से नहीं कहा, सचिव से इस बारे में? क्या मैं है कोई जब सुनता ही ना तो का करा? क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं, जो बस की हो करो ना, तो हमारे बस की तो ना आनो, तुम्हारे बस की तो करो। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी नाले जो है रोड पे पानी भरा है, गंदगी हो रही है, कीचड़ है, तो ये दिक्कत कब से हो रही है आपको? इसे हो गया 10 साल, पानी प्रधान कभी कुछ नहीं करवाता है। कभी नहीं कराता ना? आपने कभी प्रधान से सचिव से कहा संबंध? क्या कहता है प्रधान? प्रधान कहता है जो तुमसे हो कर लो। अच्छा, रोड सही नहीं होगा? ये ना होएगा, प्रधान ना करवाता। प्रधान कौन है आपका? जयचंद। जयचंद कहाँ के हैं? यहीं के हैं, इसी गांव के हैं। ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसके पीछे किसकी लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है इस गंदगी का? जनपद संभल का ये कई ग्राम पंचायतों में यही हाल है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ स्वच्छ भारत को जो पलीता लगा रहे हैं और इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ कोरोना महा बीमारी चल रही है, दूसरा स्वास्थ्य विभाग की टीम है चारों तरफ लगी पड़ी है, फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही से सामना आ जाती है। जी, तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है लोगों को, ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसकी शिकायत की गई है? इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार शिकायत दर्ज कराई है और कोई सुनने को तैयार नहीं होता, और सफाई कर्मी जो आते हैं अपने टाइम पास करके चले जाते हैं, जो और एक तरफ सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती और अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी तक किससे शिकायत की जा चुकी है मुबारक इस मामले में? उसमें सचिव से शिकायत कर चुके हैं और AEDM से BDO से और सबसे शिकायत कर चुके हैं, और इसमें और बड़ी लापरवाही सामने आई, इसमें कोई सुनने कोई तैयार नहीं होता। और दूसरी तरफ चुनाव नजदीक है और जो नेता जाते हैं वोट मांगने और इस चीज पर ध्यान नहीं देते। जी, कितने वक्त से इस तरह से गंदा पानी भरा हुआ है रास्ते में?
इसमें कम से कम एक साल से गंदा पानी भर खड़ा है वहाँ तो, और जरा सारी दो बूंदे बारिश पड़ जाती है और उसमें तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं उसमें, और जो ग्रामीण सब निकल के जा रहे हैं पानी में होकर, महिला है उसमें और बच्चे बच्चे स्कूल को पढ़ने जाते हैं, उनकी ड्रेस सन जाती है और फिर भी बड़ी बुरी लापरवाही सामने है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे संभल से। संभल विकास खंड के ग्राम पंचायत ईसापुर सुनवारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यक्ष गोविंद कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिन किसानों की जमीन गंगा एक्सप्रेसवे में गई थी उन सभी किसानों से सीधा संवाद करके समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया गया, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जनता को जागरूक किया गया और एक्सप्रेसवे के फायदे गिनाए गए। जमीन है, यदि जो भी विवाद है यदि कोर्ट में है तो कोर्ट द्वारा उसका निस्तारित होगा, यदि यूपीडा के स्तर से है तो उस यूपीडा के स्तर से उसका निस्तारित किया जाएगा। यहाँ बात पर जैसे भी आप लोगों ने बात की इनसे, कुछ ग्रामीण द्वारा बताया अपनी जन समस्या, कितनी समस्याएं आपके सामने आई आज? इनकी समस्या मैंने पहले आपको बताया कि 97% जो लैंड है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, बैनामा हो गया है, तो 3% है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो 3% तो निग्लिजेंस में आ जाएगा, नगण में आ जाएगा, और वो 3% कुछ नहीं है, जिसमें कि हमको लगता है कि 3% में भी 99% समस्या आप देख रहे हैं। यही साल हो गया कि मैंने यहाँ के स्थानीय लेखपाल और माननीय नायब तहसीलदार महोदय जो भी ऑफिसर्स है उनको निर्देशित कर दिया गया और विद इन वीक इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ग्राम पंचायत सब प्राइमरी विद्यालय सब सुनवाई में ये गंगा एक्सप्रेस वे का जो आज उच्च अधिकारी मेरी ग्राम पंचायत में आए हैं, इस जो किसानों की समस्या थी अधिकारी गण के द्वारा उसको निस्तारण कर दिया गया है। इस गंगा एक्सप्रेस वे से क्षेत्र का नहीं पूरे प्रदेश का विकास होगा और इस क्षेत्र के लोगों को विकास की गंगा दौड़ेगी, इस ये मेरी आशा और विश्वास है। ये हमारी एक समस्या थी बोरिंग की, हमें बोरिंग का मुआवजा नहीं मिल रहा है, अब इन्होंने हमें संतुष्ट कर दिया है और हमारे बोरिंग के लिए कह दिया अगर मौके पर बोरिंग पाया जाता तो हमें। खबर रायबरेली से है जहां सलोन थाना इलाके में एक युवक को सिटीजन रिपोर्टर बनाना महंगा पड़ गया, जहां प्रेमी युगल का वीडियो बनाने पर प्रेमी ने युवक पर चाकू से वार कर दिया। इस दौरान हमले में घायल हुए युवक को CHC भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक पर गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। रायबरेली से ये खबर सामने आई जहाँ सिटीजन रिपोर्टर बनाना महंगा पड़ गया है। हाँ, सलवन से एक लड़का आया था दीपक पटेल 30 साल का, उसको वो जो ले के आए थे अटेंडेंट उसके बोल रहे थे चाकू से किसी ने मार दिया है, तो मेडिकल तो उसका वहीं सलवन में हो रखा था, यहाँ प्राथमिक उपचार करके फिर एडमिट कर दिया गया था, फिर अर्जेंट सर्जन कॉल की गई थी तो सर्जन ने आके उनको रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। रायबरेली से खबर सामने आई है जहां पे चाकू से हमला कर दिया गया है और युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। ये एक युवक को सिटीजन रिपोर्टर बनना महंगा पड़ गया है, ये खबर रायबरेली से, जहां प्रेमी युगल का वीडियो बनाने पर प्रेमी ने युवक पर चाकू से वार कर दिया। इस दौरान हमले में घायल हुए युवक को CHC भर्ती कराया गया पहले, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, अब हालत कैसी है व्यक्ति की और क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि एक महिला के एक आदमी से अवैध संबंध थे और वो चोरी छुपे जंगल में आपस में जो है मिल के बात कर रहे थे, तभी जो है एक गांव का ही एक आदमी जो है वो छुप के जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग करने लगा। इसी बात से नाराज होकर जो युवक था उसने जो है रिकॉर्डिंग कर रहे व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसको की गंभीर हालत में लाया गया है जिला अस्पताल, लेकिन यहाँ भी स्थिति गंभीर होने के कारण जो है लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रिफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अब युवक को कैसे ढूंढा जा रहा अपराधी को? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है वीडियो वायरल हुआ है और जो है पीड़ित ने तहरीर भी दी है, मुकदमा पंजीकृत करके जो है आगे की विधिक कार्रवाई जारी की गई है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। तो प्रेमी जोड़े का वीडियो बनाना वायरल भी हो गया अब ये वीडियो, और ये वीडियो बनाना भारी पड़ गया, जहां चाकुओं से वार कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। गंभीर हालत है जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है घायल को। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जिले के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां रेल हादसे का शिकार हुए एक युवक की डेड बॉडी ही गायब हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और जीआरपी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपने मृतक युवक की डेड बॉडी देने के लिए गुहार लगाई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। वहीं जब इस मामले में जीआरपी पुलिस थाने के CHO सूरतपाल और जीआरपी ACP साकिर हुसैन से मामले के बारे में जानने के लिए संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि जीआरपी पुलिस अपनी किसी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। हम दोनों बीच में ऐसी कोई बात नहीं, मैं से लड़ना लड़ाई ना झगड़ा चाहे, सब लोग खा पी के अपने अपने ड्यूटी पे गए थे। ये लोग मैं जब ड्यूटी से घर आई तो मेरे बच्चे से पूछे, बच्चे पापा कहते, पापा बोले कि मम्मी पापा 3 बजे घर गए, कहीं घूमने गया पापा गया। तो हमने उस रात को नहीं ढूंढा, क्योंकि मेरे हस्बैंड मम्मी के यहाँ रुक जाते हैं 1 से 2 दिन। मैं फिर मंगलवार को मैं ढूंढने गई रात को, तो मुझे कहीं भी पता नहीं चला। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली वाले को फोन करा, उन्होंने बोला यहाँ नहीं है। तो हम सुबह पुलिस स्टेशन जब रेलवे स्टेशन से हमें यहाँ पे भेज दिया गया। यहाँ पे हमें 10 बजे से बिठा रखा अब तक। लास्ट में हमें ये पता चला कि ए बॉडी किसी और को दे दिया गया, कोई और परिवार को। हमारा बेटा 4 दिन से गायब है। हम स्टेशन में बताए कि बोल दिखाया फोटो, तू हमारा लड़का है। अच्छा, जीआरपी गए तो फोटो देख के पुलिस ने बताया गया है लाइन में। गवारा बिन रहा है, पता नहीं बाबू क्या कर रहा हूँ मैं ना पता। ये अभी जांच के बाद ही पूरा बात बताई जाएगी। अभी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या है। अभी फिलहाल कोई ऐसा मामला, डॉक्टर की तो इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जो IU है वो बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो वारिस हैं वारिसान हैं वो भी बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी जांच के बाद ही पूरा बात बता पाएगी। सर, जो बॉडी आई थी वो किस उसमें आई थी, कैसे मौत हुई थी, और कैसे हुआ ये सारा? डॉक्टर रवि लंबा ने इसमें पोस्टमार्टम किया। सीतापुर में आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इसी कड़ी में अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जनपद में कानून व्यवस्था के साथ आगामी चुनावों की तैयारियों में समीक्षा की गई, साथ ही COVID-19 से बचाव और सुरक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। तो आगामी चुनावों को देखते हुए लगातार तैयारियां तेज हो चुकी है, और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सीतापुर में आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इसी कड़ी में अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। संभल विकास खंड के ग्राम पंचायत ईसापुर में श्री गंगाराम पब्लिक स्कूल में बच्चों का वैक्सीनेशन करने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। इस दौरान स्कूल प्रबंधक ने बताया कि स्कूल के 110 में से 55 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस दौरान बच्चों ने बताया कि सभी वैक्सीनेटेड बच्चों को 28 दिन के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा इसमें, इसलिए हमने सोचा कि वैक्सीन कराएं। टोटल कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? टोटल बच्चे हमारे यहाँ लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं। वैक्सीनेशन कितने हो चुका आपका? वैक्सीनेशन लगभग 60% तक हो चुका। कितने बच्चे वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे 54 को रख गई है? अच्छा, आपके द्वारा क्या बताया जा रहा है बच्चों को, क्या प्रेरणा दी जा रही है? बच्चों को ये बताया जा रहा है कि सभी को टीका लगवाना बहुत जरूरी है, और इसे कोरोना बीमारी जो फैल रही है, ये इसके साफ सफाई रखें, मास्क जरूर।
खबर औरैया जिले से है, जहां विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एसपी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील जगह पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। बिधूना कोतवाली क्षेत्र में पहुंचे एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स को निर्देशित करने का भी काम किया जाएगा। साथ ही साथ बताया जाएगा कि जिस किस तरह से मतदान के समय शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना है। इस दौरान एसपी ने कहा कि अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों को भी टीम लगाकर चिन्हित किया जा रहा है। थाना बिधना के अंतर्गत आज मेरे द्वारा सीओ साहब और साथ में प्रभारी निरीक्षक बिधना साथ में होकर के जो कि जितने भी क्रिटिकल बूथ थे उन सभी बूथों को आइडेंटिफाई करके उनमें क्या कमी है, वहाँ के लोगों से बातचीत करी गई, पता किया गया कि वहाँ पर कोई ऐसी प्रतिद्वंद्विता तो नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, जिस वजह से हमारे विधानसभा चुनाव में कोई भी रोक टोक हो, इसलिए हमारे द्वारा ये भ्रमण किया गया है। साथ में जहाँ भी ये हमारे बाहर जनपदों से और अन्य सीएपीएफ जो फोर्सेज आएंगे उनके रुकने के स्थान, उनका भी निरीक्षण किया गया है। वहाँ पानी, बाथरूम, अन्य जो सुविधाएँ उनको देनी उसका निरीक्षण किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार से निरीक्षण अभी जारी रहेंगे और साथ में जो बिधना के आने वाले दिनों में बिधना में भी। मैनपुरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के थाना घिरो क्षेत्र के ग्राम कोसोन से पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। युवक पर आरोप है कि 11 जनवरी को आगरा मैनपुरी रोड पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने स्कॉर्पियो चढ़ाकर प्रधान प्रतिनिधि को जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि 11 जनवरी को शाम 4 बजे कोसोन निवासी प्रधान प्रतिनिधि पवन अपने भाई शिवम, पुत्र रामदास और दिलीप और वेंद्र दो मोटरसाइकिल द्वारा मैनपुरी जाकर बाजार करके घर लौट रहे थे। तभी थाना दन्नहार क्षेत्र के आगरा मैनपुरी रोड पर महाराज सिंह के पेट्रोल पंप के पास आरोपी अखिलेश पुत्र राजाराम अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो से आए और जानबूझकर हत्या के उद्देश्य से गाड़ी से टक्कर मार दी, फिर ऊपर चढ़ा भी दी थी। वादी की शिकायत पर थाना दन्नहार में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस को आरोपी की तलाश थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर थाना दन्नहार क्षेत्र के घुराही प्रतीक्षालय पर कुर्सी का इंतजार करते वक्त पुलिस ने आरोपी अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया। 11 तारीख को मैनपुरी से आगरा रोड पे एक वादी हैं पवन, जो प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, ये जा रहे थे बाइक से और पीछे से इनके ही गांव के जिनसे पवन की पूर्व से ही रंजिश है, पूर्व से ही मुकदमेबाजी है, उसको एक्सीडेंट करके मारने की नीयत से उनका एक्सीडेंट कर दिया गया। पवन जख्मी हालत में अभी आगरा में एक अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा पंजीकृत कर उसमें से एक अपराधी जो अखिलेश था, जो गाड़ी चला रहा था, उसको पकड़ लिया है। इसको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। बच्चे जितने भी अभियुक्त हैं जल्दी इनको। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के खैर कोतवाली पुलिस ने गौमत चौराहे से वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इको कार से अवैध देसी शराब सहित चालक को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम में कांस्टेबल विपिन कुमार, कौशलेंद्र, अवधेश शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मामले को लेकर प्रवेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब तस्करों के खिलाफ एसआई प्रदीप कुमार मलिक पुलिस टीम के साथ गोमत चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान में जुटे हुए थे। इसी दौरान एक इको कार को चेक किया गया तो उसमें अवैध हथियार, मारका देसी शराब और 20 हाफ बरामद की गई है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इको कार और इको कार के मालिक को कब्जे में लिया है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।